हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है आज के साप्ताहिक क्रिकेट न्यूज़ के सेगमेंट में। आज का न्यूज़ थोड़ा सा लेट है बिकॉज फेस्टिवल चल रहा है, गणपति पप्पा घर आए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा लेट है। अदर देन दैट अभी हमारा जो न्यूज़ का फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज होने वाला है। पहले अपन कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद अपन कवर करेंगे डोमेस्टिक न्यूज़, सब एक ही वीडियो में होगा और लास्ट में होगा दुलीप ट्रॉफी का सेक्शन, साप्ताहिक दुलीप ट्रॉफी सेक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ आ रही है रविंद्र जडेजा जी की तरफ से। रविंद्र जडेजा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लाइक लॉजिकली वो पहले से ही बीजेपी में थे क्योंकि उनके धर्मपत्नी ऑलरेडी बीजेपी के मेंबर है और वो गुजरात में इलेक्शन भी जीत चुके हैं, जामनगर के मेंबर है मोस्ट प्रोबेबली, मुझे भी याद नहीं है बट हाँ। तो उन्होंने रिसेंटली ट्विटर पर एक पिक्चर शेयर किया जडेजा जी के आईडी कार्ड के, तो उससे कंफर्म हो गया कि वो बीजेपी के मेंबर है एंड जडेजा अपना सेकेंड इनिंग्स का प्लान फुल सेट करके बैठे हैं लग रहा है। तो आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है कमबैक के बारे में। दो प्लेयर्स का कमबैक हो चुका है टेस्ट स्क्वाड में, जो कि है केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बहुत दिनों से बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, लाइक T20 में उन्होंने अच्छा किया और ODI में भी उन्होंने अच्छा किया एंड अभी ऑब्वियसली उनका टेस्ट कमबैक होना ही था एंड वो हो चुका है। एंड अदर देन दैट केएल राहुल का फॉर्म अच्छा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसी फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए उनको फिर से टेस्ट में जगह मिल चुका है। अदर देन दैट टेस्ट स्क्वाड जो है वो बहुत परफेक्ट दिख रहा है, जैसे कि रोहित शर्मा एंड SSC जयसवाल ओपनिंग करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे शुभमन गिल, उसके बाद आएंगे विराट कोहली एंड उसके बाद केएल राहुल मोस्ट प्रोबेबली एंड उसके बाद ऋषभ पंत एंड सरफराज। वो जो बैंग बैंग वाला उनका कॉम्बो है T20 देखने मिलेगा टेस्ट में जब वो दोनों खेलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने ऐसे ही किया था, लाइक 20 ओवर्स में उन्होंने 140 रन मार दिए थे दोनों मिलके। एंड रियली एक्साइटेड टू सी इंडिया कैसे खेलेगी, उनका अप्रोच क्या रहेगा टेस्ट के लिए एंड ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी बांग्लादेश के साथ। तो आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, जो कि होने वाला है पाकिस्तान में, अगले साल ही है तो इसीलिए ICCI के जो सब मेंबर्स हैं वो जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं पाकिस्तान के सिचुएशंस, ग्राउंड्स वगैरह देखने के लिए जाने वाले हैं। उसके ऊपर डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। अदर देन दैट इंडिया टीम अभी फ़िलहाल तो लग रही है कि ट्रैवल नहीं करेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटीज़ कम है वहाँ पे होने के। आई थिंक सो UAE या फिर दुबई शिफ्ट हो सकता है बट नॉट श्योर, अभी देखना पड़ेगा। जब ICCI की टीम जाएगी, विजिट करेगी, सब ग्राउंड देखेंगे, सब सिचुएशन देखेंगे, उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन बनाएंगे। बट मुझे लगता है शायद शिफ्ट हो सकता है दुबई या फिर UAE को। आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अदर देन दैट बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है मोइन अली के बारे में। मोइन अली अपना रिटायरमेंट दे चुके हैं सेकेंड टाइम। एक्चुअली वो पहले एक बार रिटायर हुए थे बट ये फिर से उनको वापस आना पड़ा था रिटायरमेंट से एंड अभी उन्होंने फिर से रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। एंड विशिंग ऑल द बेस्ट मोइन अली फॉर हिज सेकेंड इनिंग्स। तो इसी के साथ आज का जो इंटरनेशनल सेशन है वो ख़त्म होता है। अभी अपन बढ़ते हैं डोमेस्टिक सेशन की तरफ। तो डोमेस्टिक सेशन का सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है IPL से, राजस्थान रॉयल से। अपने राहुल द्रविड़ फिर से हेड कोच बनेंगे राजस्थान रॉयल के। आई फील राजस्थान एक बहुत ही अच्छी टीम है जो अच्छा खेलती है हर साल, बट उनमें सिर्फ एक स्टार प्लेयर की कमी है। अगर एक कोई स्टार प्लेयर वो लोग साइन कर लेंगे मेगा ऑक्शन में तो ये राजस्थान टीम भी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती है आई फील, एंड अंडर राहुल द्रविड़ ये टीम बहुत अच्छा खेलेगी। तो आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है चैंपियंस के बारे में। जो दिल्ली प्रीमियर लीग हुआ था उसका फर्स्ट एडिशन के चैंपियंस है ईस्ट दिल्ली वाली टीम, अनुज रावत थे उस टीम में, वो टीम जीत चुकी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल टीम। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है फिर से चैंपियंस के बारे में। हैदराबाद टीम जो है वो चैंपियंस बन चुकी है बुच्ची बापू टूर्नामेंट के, उन्होंने हरा दिया है छत्तीसगढ़ को फाइनल में। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला इसलिए वो चैंपियंस बने ऑब्वियसली। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है KKR के बारे में। KKR ने जैक कैलिस को अपना मेंटोर करके साइन कर लिया है 2025 के सीज़न के लिए एंड जैक कैलिस पूर्व KKR क्रिकेटर रह चुके हैं तो वो जानते हैं टीम को, फ्रेंचाइजी को एंड मैंने कभी उनको कोच करते हुए देखा नहीं बट आई डोंट नो एज अ कोच वो कैसे है या फिर मेंटोर कैसे है। आपको पता है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक दिलीप ट्रॉफी सेक्शन की तरफ। तो दिलीप ट्रॉफी से एक आ रहा है एक बड़ा राइजिंग स्टार जिसका नाम है मुशीर खान। इसका नाम आप याद रख लेना या फिर रट लेना, बिलीव मी ये इंडिया को खेलेगा तो बहुत ही बड़ा प्लेयर बनेगा। अगर इसको इंजुरी या फिर वो जो अर्ली सक्सेस का जो भूत होता है वो नहीं चढ़ा तो ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। दिस किड इज़ किलिंग इट इन डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 7 इनिंग्स में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक दिलीप ट्रॉफी सेक्शन की तरफ। तो दिलीप ट्रॉफी से एक आ रहा है एक बड़ा राइजिंग स्टार जिसका नाम है मुशीर खान। इसका नाम आप याद रख लेना या फिर रट लेना, बिलीव मी ये इंडिया को खेलेगा तो बहुत ही बड़ा प्लेयर बनेगा। अगर इसको इंजुरी या फिर वो जो अर्ली सक्सेस का जो भूत होता है वो नहीं चढ़ा तो ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। इनके जो पिछले 7 इनिंग्स के जो डोमेस्टिक स्टैट्स है वो देख के पागल हो जाओगे। मैं भी हुआ था एक्चुअली। जो रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल था उसमें उन्होंने स्कोर किया 200, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में 50, फिर फाइनल में फिर से 100 एंड अगेन आज दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने फिर से 100 मारा। अभी वो 180 या फिर 183 पे आउट हो चुके हैं। सेकंड इनिंग्स में 0 मारा बट फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला। जहां पे विकेट जा रहे थे 3-4 विकेट गए थे वहां पे उन्होंने अपना टेम्परमेंट दिखाया। अगर हाईलाइट नहीं देखे तो जाके देखना, बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इनके बारे में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है फर्स्ट मैच के बारे में जो कि हुआ इंडिया ए और इंडिया बी के बीच में। और इंडिया बी ये मैच जीत चुकी है, ऋषभ पंत वाली टीम ये मैच जीत चुकी है 26 रन से। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला गया था मुशीर खान की तरफ से, इसीलिए वो लोग जीते एंड बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी की थी। एंड इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे जो कि है नेक्स्ट मैच जो इंडिया सी और इंडिया डी के बीच में। और ये मैच जीत चुकी है इंडिया सी 4 विकेट से। एक्चुअली ये दोनों मैच साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एक ही दिन स्टार्ट हुए थे। एंड आज का जो क्रिकेट न्यूज़ है यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको नया फॉर्मेट अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड सी यू देयर।